देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग के बाद अब सबकी निगाहें दूसरे चरण पर हैं। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में तमाम दलों के कई ऐसे दिग्गज नेता मैदान में हैं जिन पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इस रिपोर्ट में जानते हैं कि दूसरे चरण के वो कौन कौन से दिग्गज नेता हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। तो चलिए जानते हैं दूसरे चरण के वो बड़े नेता जिनकी सीट पर इस बार दांव लगा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की। दूसरे चरण में केरल की वायनाड सीट पर भी वोटिंग होगी जहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला सीपीआई की एनी राजा और एनडीए के उम्मीदवार के सुरेंद्रन से होगा। वहीं अगला नंबर आता है शशि थरूर का। दूसरे चरण में शशि थरूर की भी किस्मत दांव पर है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर तिरुवनंतपुरम सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर और लेफ्ट के पनियन रविंद्रन से होगा। अगला नंबर हेमा मालिनी का। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट मथुरा में भी दूसरे चरण में वोटिंग होगी जहां से बीजेपी ने अपनी सिटिंग एमपी हेमा मालिनी को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस के मुकेश डांगर से होगा। महेश शर्मा, 26 अप्रैल को यूपी की गौतम बुद्ध नगर सीट पर भी वोटिंग होनी है जहां से बीजेपी ने महेश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। उनके खिलाफ मैदान में सपा के महेंद्र सिंह नागर और बीएसपी के राजेंद्र सिंह सोलंकी हैं। अरुण गोविल, दूसरे चरण में रामायण के राम यानी कि बीजेपी के अरुण गोविल की किस्मत भी दांव पर है जिन्हें बीजेपी ने मेरठ से अपना प्रत्याशी बनाया है। उनके सामने मैदान में सपा ने अतुल प्रधान को उतारा है। पप्पू यादव, बिहार के सीमांचल इलाके की सीट पूर्णिया में भी 26 अप्रैल को वोटिंग है। पूर्णिया में पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बतौर निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। महागठबंधन ने यहां से राजद की नेता बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारा है जबकि एनडीए की तरफ से निर्वर्तमान सांसद जेडीयू के नेता संतोष कुशवाहा चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। अब देखना होगा कि बाजी कौन मारता है। नवनीत राणा, सेकेंड फेज में महाराष्ट्र की अमरावती सीट पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। यहां से सिटिंग एमपी नवनीत राणा मैदान में हैं जिनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत वानखेड़े से होगा। ओम बिरला, राजस्थान की कोटा लोकसभा सीट से बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर दांव चला है। मैदान में उनको कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन टक्कर देंगे। दूसरे चरण में कोटा में भी मतदान होना है। प्रहलाद जोशी, कर्नाटक की धरवाड़ लोकसभा सीट पर भी सेकेंड फेज में वोटिंग है जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की किस्मत दांव पर लगी है। उनकी टक्कर दिग्लेश्वर स्वामी से रहेगी जो स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे हैं। यानी ये वो दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला 26 अप्रैल को हो जाएगा। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि दूसरे चरण में किन राज्यों की कितनी सीटों पर वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। यहां 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की 8 सीट, असम बिहार की 5-5 सीट, छत्तीसगढ़ की 3 सीट, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, कर्नाटक की 14 सीटें, केरल की 20 सीट, मध्य प्रदेश की 7 सीटें, वहीं महाराष्ट्र की 8 सीटें, मणिपुर की 1 सीट, राजस्थान की 13 सीटें, त्रिपुरा की 1 सीट, पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर वोटिंग होगी। अब देखना होगा कि 24 की जंग में कौन सा दिग्गज बाजी मार ले जाता है। वैसे आपको क्या लगता है ये कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट पे बस इतना ही। तमाम छोटे बड़े और चुनावी अपडेट्स अगर आपको जानने हैं तो आप बने रहिए एबीपी लाइव पर।